विश्वास के साथ मैं मंजू तिवारी एक बार फिर से हाजिर हूँ अपनी न्यू वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बढ़िया सा एक चीज़ दिखाने जा रही हूँ जो कि आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही मतलब अच्छा चीज़ है। उसका मैं कूट के काढ़ी में सब कुछ प्रॉपर तरीके से बना के आपको दिखाऊंगी। स्माइल मेरे चेहरे पर नहीं आ रही है इस टाइम, सुहानी बोल रही मुझे हंसने के लिए, पर गर्मी बहुत ज़्यादा है इसके लिए मुझे हंसी उसी नहीं आ रही है। अरे तो चूल्हे के पास हूँ तो गैस से और भी ज़्यादा गर्मी होती है। तो सच में मतलब जो चीज़ मैं बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगी वो चीज़ जो है बहुत ही सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और जिसमें एक चीज़ और मिलाऊंगी उससे आपका हीमोग्लोबिन बराबर रहता है और उस चीज़ को खाने से बहुत ताकत मिलती है। और हाँ एक चीज़ और बता दें उसका दारू भी बनाया जाता है उस चीज़ का, लेकिन अपने खाने के लिए अपने तरीके से हम ब्राह्मण दो चीज़ बनाने जा रहे हैं और बना के बढ़िया से आपको दिखाएंगे। सच में इतने ज़्यादा मतलब पहले के ज़माने के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और मैं कुछ दूसरा ऐड कर रही हूँ उसमें, और उस टाइम में अलसी बोलते हैं उसको, वो ऐड किया जाता था। तो चलिए फिर चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। आइए आगे अपने किचन में, यहाँ पर रखा हुआ हमने कढ़ाई और ये सब सारी चीज़ें हम देख लीजिए आप। यहाँ पर यह है तिल्ली, इसको हम पहले भून करके निकाल लेंगे, इसके बाद ये है महुआ हमारा, इसको भी हमें अच्छे तरीके से भूनना है। तो आइए सब कुछ हम आपको अच्छे से दिखाते हैं क्या कैसे करना है। अब इसके आगे वॉइस ओवर होगा, नहीं तो आपको आवाज़ सुनाई देगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लग जाए तो एक प्यारा सा लाइक करने में चूक मत करना और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप सब तक पहुँचे। वीडियो देखने के लिए हमारे फर्स्ट होम को भी सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर हम आपको सब कुछ दिखाते हैं क्या कैसे करना है। तो एवरीवन यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिया हुआ है कम से कम 150 ग्राम तिल्ली है। तिल्ली को मैं यहाँ पर अच्छे से भून लूँगी और आपको मतलब कढ़ाई आपकी अच्छी तरीके से गर्म हो जानी चाहिए, उसके बाद आपको गैस का फ्लेम जो है लो कर देना है। तो गैस एकदम कम कर देनी है आपको, तभी आपको भूनना अच्छी तरीके से चलाते रहना है ताकि जो है ये जब आपको पता चल जाएगा चुरचुराने लगेगी, महकने लगता है ये चीज़। और यहाँ पर हमारा महुआ रखा हुआ है जो कि धो धा करके साफ़ सुथरा करके रखा हुआ, सुखवा करके। तो हमारी तिल्ली बातों बातों में पक चुकी है और हम तिल्ली को यहाँ पर निकाल रहे हैं। हमने वीडियो में काफ़ी मतलब फास्ट फॉरवर्ड लगाया हुआ है क्योंकि यह चीज़ करते समय कम से कम 7 से 8 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई है। अगर छोटा नहीं करते तो आप लोग यार लास्ट तक बने नहीं रहते हो, इसके लिए प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर अब हमें महुआ को भून लेना है। वैसे मुझे महुआ को 2 घान करना था लेकिन मैंने 1 ही घान कर दिया है, बहुत यार गर्मी हो रही थी इसकी वजह से। तो बस धीमी आँच कर इसको भी अच्छे से चलाना है ताकि महुआ आपका अच्छे से फूल जाए। अब गर्म ही आपको इसे काढ़ी में कूटना है। तो अलसी मतलब इसको देखते रहिए, बातों को समझाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम महुआ को भून रहे हैं और इसमें जो है महुआ तिल की जगह अलसी भी आप डाल सकते हो, यह चीज़ बहुत ही ताकतवर होती है ये समझ लीजिए आप लोग। तो बस अब हम आ गए हैं अपने गैलरी में और गैलरी में हमारी काढ़ी गाढ़ी हुई है, यहाँ पर हमको इसे कूटना है अच्छे से। तो सबसे पहले हम तिल्ली कूटेंगे, अम्मा बताती रहती ये कर लेना वो कर लेना, तो बस सबसे पहले तिल्ली बोली है कूट के निकाल लेना, वही हम थाली में कूट कर निकाल लेंगे। तिल और मतलब तिल्ली और महुआ का लाटा बना रहे हैं, नहीं तो अलसी और महुआ का लाटा बनता था। और अच्छे से कूट, आप लोग सोच रहे होंगे अब बिटिया मुझे चिढ़ा रही हैं, बोल रही हैं कि मंजू यूपी ब्लॉग को जो है हाथ में लग जाएगा, ये हो जाएगा वो, सारी मस्ती उनकी चल रही है, बातें कर रही हैं, लेकिन मैं जो है उनकी बातों पर ध्यान नहीं, मुझे हंसी आ रही है, मैं अपना काम कर रही हूँ क्योंकि हमारे फर्स्ट होम का नाम मंजू यूपी ब्लॉग वीडियो है। तो प्लीज़ यार अच्छे अच्छे गीत सुनने के लिए, कहानी देखने के लिए, ब्लॉग को देखने के लिए आप लोग जो है हमारे फर्स्ट होम पर भी आइए। यहाँ पर बिटिया उसे ट्राई कर रही हैं कि अच्छे से पिसा हुआ है कि नहीं ताकि मिल जाए। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई में महुआ छोड़ के आई हुई थी क्योंकि महुआ गर्म रहेगा तभी कूटने में अच्छा पड़ेगा, नहीं तो जो है आप नहीं कर सकते हो। मैंने बोला एक एक्स्ट्रा पर रील बना दो पर उन्होंने नहीं बनाया, बोला इसका रील नहीं बनाएंगे मम्मी। अब हम महुआ को अच्छी तरीके से कूट रहे हैं और कूट करके फिर इसमें हमको देखेंगे आप तिल्ली ऐड करना है। सच में पहले के ज़माने के लोग जो बाबा वबा होते थे सुबह के टाइम में सावन भादो 2 महीना लाटा ही खाते थे और जो है खा करके सेहत अपनी बनाए रखते थे, एक ढूंढी खा लेते थे इसका और गर्म है देखिए चिपक रहा है अच्छे से, और एक लोटा पानी पी जाते थे, काफ़ी ताकत रहती थी पहले के लोगों के ज़माने में। सच में ना
पहले की चीज़ें बहुत अच्छी होती थी, और आज भी अगर हम उसका ट्राई करें तो हमारी तबीयत इतनी ज़्यादा नहीं ख़राब होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें अब पहले जैसी नहीं रह गई हैं। पहले का मैं हम लोग कुछ खाना ही नहीं चाहते हैं, बच्चे लोग जितना बिस्किट टाफ़ी में मज़ा आता है इंजॉय करते हैं लोग, और ये खा लो वो खा लो उतना जो है इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। फ़िलहाल हमारे जो साहब जी यानी तिवारी जी, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है ये चीज़ खाने में, तो बस मैं इसको बढ़िया से कूट रही हूँ। और अपनी ताकत अच्छे से सेहत बनाने के लिए प्लीज़ अगर आपके घर में महुआ है तो महुआ का लाटा बनाकर आप ज़रूर खाइए, और कमेंट करके बताइएगा कि महुआ का लाटा बनाकर खाने में कैसा लगता है, आपने कभी ट्राई किया है नहीं, यह चीज़ भी बताइए। और महुआ बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी है, चोट में मोच में मतलब क्या करना है कैसे करना है, अगर आप पूरी जानकारी पाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। महुआ अक्सर हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, कई तरीके से यूज किया जाता है, एक ही तरीका नहीं है यूज करने का। हमने इसमें तिल्ली को ऐड कर दिया है अच्छी तरीके से, तो बस देखिए सारा मिक्स कर रहे हैं ताकि स्वाद इसका थोड़ा सा टेस्ट बदल जाता है। और पहले तो कुछ लोग जो होते थे ना राई के तेल में थोड़ा सा कढ़ाई में उसे भून देते थे, भून करके रख देते थे। तो चलिए हमारा महुआ का लाटा बढ़िया से बनके तैयार हो चुका है, मैं लड्डू बना रही हूँ, इसके बाद मुझे बनाना है चाय, तो मिलते हैं सीधा आपसे अपने किचन में, बताइएगा ज़रूर। तो हाय एवरीवन, आप देख सकते हो मैंने महुआ और तिल का लड्डू बना के रख लिया है, काफ़ी मेहनत लगी इसको बनाने में हमें बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ चाय, और ब्लॉग का यहीं पर कर दूँगी क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप लोग बने नहीं रहोगे, इसके बारे में जानकारी देना, इसके लिए थोड़ा सा बड़ा कर दिए हैं। यहाँ पर पानी थोड़ा सा रखे हैं, इसमें डाल देते हैं चाय पत्ती। बज रहे शाम के 4:30 और मेरा हो गया काम चाय पीने का टाइम, आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। क्या चाहिए, क्या चाहिए, चालू हम चाय बहुत कम मीठी पीते हैं। चाय स्पेशल तरीके से बना के अलग से सिर्फ चाय ही शेयर करेंगे आप लोगों से, तभी सही रहेगा। चाय शेयर नहीं कर रहे हैं, बस आप लोगों को पीने के लिए बुला रहे हैं, ब्लॉग को ही करना है हमें। थोड़ा सा दूध ऐड कर देते हैं, ये बना रहे हैं अपने और अम्मा भर के लिए, दो सब चाय बना रहे हैं। बुढ़िया रानी सारा खाई हो रहे हैं हमारे लिए भी, चलिए थोड़ा सा इनको भी दे देते हैं। तो बस यहाँ पर जितनी मेहनत हमको लगी है इसको बनाने में लड्डू को, उतनी ही ज़्यादा मेहनत लगेगी हमको कढ़ाई को मारने में। ये देखिए कढ़ाई की हालत एकदम ख़राब हो चुकी है, इसको ले जाके बाहर ढाल के भूसी से जब मारेंगे साफ करेंगे तब ये साफ होगा, हमारी चाय बन रही है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। उम्मीद करते हैं कि ब्लॉग जरूर पसंद आएगा, ब्लॉग पसंद आ जाए तो लाइक शेयर करना, जो भी भाई भाई चैनल पर नए आते हो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम और आप हमेशा मिलते हैं। बाय।